नमस्कार फ्रेंड, आप IAS के दैनिक हिंदी संपादकीय विश्लेषण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से एक बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है और एक ये नई दुनिया का आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल काफ़ी अच्छे हैं, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल के बारे में। तो यहाँ पास हाल ही में जो भी सऊदी अरब की अरामको कंपनी पे जो ड्रोन हमले हुए हैं, तो उसके बारे में इस आर्टिकल में काफ़ी कुछ बताया गया है, जो कि भारत के सामरिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी मायने रखता है ना, क्योंकि भारत जो है तो तेल का लगभग अपने 80% इंपोर्ट करता है। तो ये निश्चित तौर पर घटना भारत के लिए भी काफ़ी प्रभाव डालेगी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से। तो उसी के बारे में आर्टिकल डिस्कस करता है कि जो अरामको संयंत्र पर जो ड्रोन हमला हुआ है, तो उसके बाद ही जो है तो इस कंपनी ने क्या किया है कि अपने उत्पादन में जो है तो कटौती कर दी है, और मतलब कि आधे यानी कि प्रतिदिन करीब 60 लाख बैरल की जो है तो कटौती करने की बात कही, और वन बैरल में 59 लीटर होते हैं, है ना। तो इसने इस कंपनी ने लगभग 60 लाख बैरल की कटौती करने की बात कही प्रतिदिन के हिसाब से, तो जो कि वैश्विक तेल उत्पादन का 5% है। और ऐसी घोषणा की गई तो जो है तो तेल की जो कीमत है उनमें एक ही दिन में लगभग 20% का उछाल आ गया, जो कि बहुत बड़ी घटना है, है ना। तो यहाँ पर से मतलब वैश्विक तेल में भी एक बढ़ोतरी हो गई, तो ये भी भारत के लिए भी मतलब कोई निश्चित तौर पर प्रभाव डालेगी घटना, क्योंकि भारत तेल का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। तो यहाँ पर से जो ये ड्रोन हमले हुए हैं इस कंपनी उस पर, तो इसकी जो जिम्मेदारी है तो ये हौती विद्रोहियों के ऊपर भी थोड़ा सा इस पर वो किया जा रहा है कि संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि हौती विद्रोही हैं, तो ये ईरान के समर्थक ईरान द्वारा समर्थित हैं, है ना। ये जो है तो हौती विद्रोही यमन में जो विद्रोह चल रहे हैं वहाँ पास, तो ईरान जो है तो इनको सपोर्ट करता है, सैन्य वगैरह वो देता है, मुहैया करवाते हैं, तो ये इसमें। और वहीं सऊदी अरब जो है तो अमेरिका के उस पर सपोर्ट पे है, तो इन पे जो है तो काफ़ी तनाव देखा जाता है। तो ईरान प्रत्यक्ष तौर पर तो ये अप्रत्यक्ष तरीके से तो ईरान और सऊदी अरब के बीच ही जंग चल रहा है, लेकिन ये हौती विद्रोही जो है तो प्रकार से मोहरे टाइप से प्रयोग कर रहे हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा ये जो ड्रोन हमले हुए हैं, तो इस पर ईरान की तरफ मतलब कि ईरान पे भी सवाल उठाए गए कि शायद तक इसने ही करवाया है, तो इसी पे है। तो वही हालांकि जब ये इस कंपनी ने अपने तेल उत्पादन पे एक कटौती कर दी, तो अमेरिका ने हालांकि इसमें सामरिक तेल भंडार अपने खोलने की बात की है कि वो इसकी मतलब की जो कमी होगी तो उस तेल की आपूर्ति अमेरिका करेगा। लेकिन ये जो भारत जो है तो उसमें देखा जाए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भारत को जो रुपये है तो डॉलर की अपेक्षा काफ़ी कमज़ोर है, है ना। इससे जो है तो भारत की जो इकोनॉमी है तो उसमें अस्थिरता का माहौल हो जाएगा, है ना, काफ़ी अस्थिरता होगी और मुद्रास्फीति कारक दबाव भी होगा। तो ये भी भारत की इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी गंभीर स्थिति क्रिएट हो सकती है यहाँ पास। और ये अरामको संयंत्र जो है तो हमला जो है हुआ है, तो ये भारत की भी जो सामरिक कमजोरी है उसको भी उजागर करता है। कैसे, यहाँ पास दो घटनाएं मतलब कि दो पॉइंट डिस्कस किए गए हैं कि यहाँ पास जो है तो भारत अपनी ज़रूरत का जो है तो 80% जो है 80% से भी अधिक जो है तेल आयात करता है भारत, ना अपने बृहद आर्थिक स्थायित्व के लिए कम एवं स्थिर भाव वाले तेल पर ही निर्भर है, बना हुआ है एज इट इज़। वहीं चालू खाता घाटा जो है उसकी स्थिति भी काबू में है, लेकिन ये जो चालू खाता घाटा की स्थिति काबू में है तो उसके लिए जो है तो घरेलू मिर्ची पे जो है तो मांग में कमी इसका रीज़न है, ना कि एक प्रकार से वो मांग में कमी से इस चालू खाता घाटा स्थिर है, ना कि और उसके लिए और अलग मतलब सिचुएशन। तो वहीं इसमें देखा जाए तो जो कच्चे तेल के भाव हैं, यहाँ पर से एक आंकड़ा जो दिया गया है बहुत अच्छा आंकड़ा, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, कि जो कच्चे तेल का जो भाव है यदि $1 प्रति बैरल बढ़ जाता है, तो उससे जो भारत का जो आयात बिल है तो लगभग 10,500 करोड़ रुपये बढ़ जाता है। यानी कि $1 प्रति बैरल यदि बढ़ गया, एक बैरल में लगभग 59 लीटर होते हैं, तो $1 यदि प्रति बैरल बढ़ जाता है तो भारत को जो आयात बिल है तो लगभग 10,500 करोड़ रुपये बढ़ जाता है, है ना। तो इस पे से वही यदि देखा जाए कि 2018-19 में जो भारत ने तेल का जो आयात किया है, तो लगभग $112 अरब खर्च किए हैं तेल के आयात में भारत ने, इतनी बड़ी रकम। वहीं भारत को यदि कच्चे तेल
और कच्चे तेल और रसोई गैस जो है, तो उसका जो है तो सऊदी अरब जो है भारत का दूसरा बड़ा आपूर्ति करता है, यानी भारत अपने कच्चे तेल और रसोई गैस का लगभग सेकंड लार्जेस्ट जो है इंपोर्ट सऊदी अरब से ही करता है। और इसमें यदि देखा जाए कि तेल के दाम बढ़ने से जैसे इसने आरामको कंपनी ने अपने तेल उत्पादन में कटौती की है, भले ही अमेरिका ने एक वैश्विक उस पर एक प्रकार से आशा मतलब कि अपने सामरिक तेल भंडार खोलने की बात की, लेकिन फिर भी वैश्विक बाज़ार में तेलों के दाम काफ़ी बढ़ने की संभावना पाई जाती है, मतलब बढ़ सकते हैं। तो ये जब दाम बढ़ जाएंगे तो इससे क्या है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था में, क्योंकि भारत की यहाँ पर बताया कि एक एक बैरल डॉलर बढ़ता है तो भारत की जो आयात बिल है 10,500 करोड़ रुपये बढ़ जाते हैं। तो एक मतलब कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है तो प्रकार से अस्थायी तो बहुत ही ज़्यादा हो गई, वैसे ही हमारी जो तो स्लो डाउन की स्थिति है तो बस और भी ज़्यादा समस्या क्रिएट हो सकती है ना। तो 14 के बाद जो है तो जो तेल के भाव हालांकि तो कम रहे हैं ना, तो यहाँ पास यदि देखा जाए कि एक वास्तविक समाधान यहाँ पास बताया गया है, जहाँ पास उच्च और टिकाऊ निर्यात आए जो बाहरी खाते को लेकर भरोसा जगाए, कि यहाँ पास कैसे यदि हम अपने निर्यात को ज़्यादा बढ़ाएँ है ना, निर्यात को यदि ज़्यादा हम बढ़ाएँगे तो उससे जो बाहरी खाता होगा तो उस पर थोड़ा सा हम संतुलन स्थापित कर सकते हैं अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा करके, ये इसमें एक सुझाव दिया गया है। और भारतीय निर्यात में कई वर्षों से जो है देखा जाए तो हालांकि हमारा निर्यात जो है तो कम ही, मतलब कोई ज़्यादा उसमें खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। और ये जो एक साल की जो अगस्त में भी आंकड़े आए थे तो उसमें जो देखा गया कि साल पहले की तुलना में, जो एक साल पहले की तुलना में इसमें 6% जो है तो हमारी मतलब एक्सपोर्ट जो है तो कम हो गया है। ये मतलब कि हमारा एक्सपोर्ट भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक मतलब समस्या ही हो सकती है, असंतुलन की स्थिति है आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। और दूसरी कमजोरी यहाँ पास बताई गई कि जो तेल शोधन ढांचा है उससे जुड़ी समस्या है दूसरी है, उसमें जैसे कि गुजरात को जामनगर में स्थित जो हमारे निजी तेल शोधन इकाई है तो वो जो है तो मुंबई आतंकी जब हमला हुआ था तब से ही जो सीमा पार हमले के जो खतरा बढ़ गया तो उससे जो हमारे CISF एक्ट जो है तो उसमें कुछ अमेंडमेंट लाए गए थे, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के निजी प्रतिष्ठान को तो सुरक्षा देने के लिए CISF वगैरह अमेंडमेंट हो गए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वही बस नहीं, दूसरे डायमेंशन से देखा जाए तो ये खतरा सौर पार्क जैसे अन्य निजी प्रतिष्ठानों को भी इससे खतरा हो सकता है ना, सीमा पार के हमले हो सकते हैं। और वही जैसे कि ड्रोन हमले वगैरह होते हैं तो ये ड्रोन हमले तो बहुत ज़्यादा सटीक होते हैं और ये राडार की पकड़ में भी नहीं होते हैं, तो इससे भी ज़्यादा मतलब ये खतरा पैदा हो सकता है। तो इसलिए भारत को क्या है कि अपनी जो विमान ये जो हैं तो राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से इतर जो इलाके हैं तो उनमें जियो फेंसिंग और ड्रोन पहचान प्रणाली की नए सिरे से समीक्षा की जरूरत है। हालांकि हमारी ड्रोन पॉलिसी 2018 में आई थी, लेकिन फिर भी वर्तमान परिदृश्य वैश्विक परिदृश्य में इस तरह की यदि देखा जाए तो सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से उसे पुनर्समीक्षा की ज़रूरत है, तो उसमें मतलब कि फिर से नए सिरे से देखने की इसमें ज़रूरत बताई गई है। तो आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। अब बेहतर हो रही है सार्वजनिक सेवाएं, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर जी का लिखा गया लेख है, तो यहाँ पास उन्होंने अपनी जो सरकार की कुछ उपलब्धियां हैं तो उसके बारे में कुछ आंकड़े दिए हैं, तो उसी के बारे में देखते हैं किस आर्टिकल में दिया गया है। यहाँ पास जो बताया गया है कि जैसे भारत तो वैसे भी विविधताओं भरा देश है, यहाँ पास विभिन्न वर्ग जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो जहाँ पास ये विशाल देश है तो यहाँ पास वंचित परिवार तक जो निचले तबके के लोग हैं ना, यानी कि अंतिम मतलब कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं, उन तक जो है तो जरूरी सेवाओं को जो है तो समता और न्यायपूर्ण प्रदायगी के लिए लाभार्थियों के साक्ष्य आधारित चयन मतलब कि मतलब डायरेक्ट जान करके लक्षित तरीके से है ना, और अनुसंधान के आधार पर नीतिगत उपाय, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े संसाधनों की उपलब्धता और उनके पूर्ण उपयोग के जरिए जो मानवीय हस्तक्षेप को कम से कम करके, यानी कि बिचौलियों की भूमिका को ख़त्म करके, उसके बाद जो संघीय संरचना में काम करने वाली जो विभिन्न एजेंसियाँ उनके साथ ही अच्छे से तालमेल समन्वय करके ही उनको इस तरह की मतलब कि बेहतर सुविधाएँ दी जा सकती हैं है ना, और ज़रूरी सेवाओं के साथ ही समता और न्यायपूर्ण प्रदाय की उनको पशुवर हो सकती है, ये चीज़ें दी जा सकती है लाभार्थी को है ना। तो और वहीं जो हालांकि इस गवर्नमेंट का सबका साथ सबका विकास से जो व्यापक फ्रेमवर्क भी था, तो उसमें से इसके एजेंडे में जो है तो सबको आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगार जैसे महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय लक्ष्य भी बनाए गए। हालांकि इन लक्ष्यों के लिए विभिन्न प्रकार की मतलब कि अच्छी योजनाएं भी लाई गई थी, जैसे कि सार्वजनिक सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था सब तक
समुचित तरीके से पहुंच सके, है ना। तो उसके लिए यहाँ पास मतलब उसमें अपेक्षित बदलाव भी किए गए हैं। यदि उदाहरण भी देखें तो इसमें से जो एक ग्राम स्वराज अभियान है, तो ये ग्राम स्वराज अभियान एक मतलब पूरी तरह से एक बेहतर और पारदर्शी योजना है, ये एक बेहतर उदाहरण हो सकता है और सार्वजनिक सेवा प्रणाली का, है ना, एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि ग्राम स्वराज अभियान जो कि अपनी पूरी पारदर्शिता के साथ ग्रामीण क्षेत्र में सफल कह सकते हैं इसको, ये सार्वजनिक सेवा प्रणाली के तहत एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वहीं हमारे जो इसके लिए जो है कि लक्षित तरीके से लाभार्थी तक पहुंच करके उसको उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो हमारे जो ये सामाजिक आर्थिक जातिगत जो जनगणना 2011 के हैं उनके आधार पर सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं जिससे कि लक्षित पात्र व्यक्ति तक उनको योजनाओं का लाभ दिया जा सके। तो उसमें जैसे कि LPG कनेक्शन है तो उसमें उज्ज्वला योजना है ना, और मुफ्त बिजली के लिए सौभाग्य योजना है ना, और प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण चिकित्सा सहायता जो आयुष्मान योजना है ना, और वहीं लाभार्थियों के चयन के लिए SEC मतलब कि लाभार्थी को जो चयन किया गया तो इन्हीं SEC के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। और यदि हमारे जो आंकड़े हैं तो बेहतर हो तो लक्षित और पात्र व्यक्ति को उचित तरीके से उसको योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है। और मनरेगा के तहत जो राज्यों के श्रम बजट के निर्धारण है, और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो महिला स्व सहायता समूह के जो गठन संबंधित जो सभी अभावग्रस्त परिवार हैं उनके भी समासन है समावेशन के लिए, इंक्लूजन के लिए, ये जो SEC के आंकड़े हैं इनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब कि बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो इस तरह के जो आंकड़े होते हैं तो ये गरीबी के जो सटीक निर्धारक हो सकते हैं, है ना, इनके आंकड़ों में सुधार और उन्हें समय समय पर अपडेट करते रहने से भी जो ग्राम सभा जो होती है उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। और उसी में जैसे कि आधार है ना, IT के DBT पर संपत्ति के जियो टैगिंग कार्यक्रम के लिए जो राज्यों में नोडल खाते भी हों, पंचायतों के धनराशि को खर्च करने का जो अधिकार दिए जाने और लेकिन नकद राशि उनको न दे करके अब प्रायक्ट जो है तो जो मनरेगा की राशि भी है तो अब जो श्रमिक होते हैं उनके डायरेक्ट खाते पे दी जाती है ना। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली PFI जैसे प्रशासनिक वित्तीय प्रबंधन सुधार इनको भी अपनाया गया है इसके तरीके से, जिसके एक अच्छे परिणाम मिले हैं कि यहाँ पास से जो लीकेज होता था तो लीकेज में काफ़ी मतलब बदलाव देखा गया है। जैसे कि क्या होता है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था ना कि केंद्र से एक रुपया जाता है तो जो लक्षित व्यक्ति तक पहुँचते वो लगभग उसको 14 पैसे ही मिलते हैं। अब बाकी के जो लगभग पैसे होते हैं 86 पैसे तो वो बिचौलियों के द्वारा ही गायब हो जाते हैं। तो ये जो इस समाधान के लिए बिचौलियों की समस्या को इसे निजात पाने के लिए DBT योजना है तो बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई है। DBT योजना के जरिए डायरेक्ट प्रत्यक्ष तरीके से उसके ये जनधन खाते वगैरह हो गए इन और अन्य खातों के जरिए डायरेक्ट क्या होता है कि जो प्रत्यक्ष या कोई भी सब्सिडी हो गवर्नमेंट की तो उस व्यक्ति को डायरेक्ट उसी के अकाउंट पर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इससे जो है तो बिचौलिए की समस्या भी समाप्त हो जाती है। तो एक बहुत ही मतलब कि कारगर सिद्ध हुआ है, DBT बहुत ही बेहतर है। मनरेगा जैसे कार्यक्रम तो इनमें भी डायरेक्ट खातों में उनके चले जाते हैं, अकाउंट में उनकी जो पैसा वगैरह होता है तो दे दी जाती है। वहीं जो आजीविका सुरक्षा से जो प्रमुख सुधार है उनको इससे बढ़ावा मिला है। और जो गरीबों के लिए स्वयं अपने मकान के निर्माण एक और भी महत्वपूर्ण है कि जो स्वयं अपने मकान के निर्माण कार्य में जो 90 से 95 दिन के कार्य के लिए जो सहायता के रूप में व्यक्तिगत लाभार्थी योजना भी शुरू की गई, तो ये भी इनकी मतलब आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक हुआ है कि वो अपने मकान के निर्माण में भी 90 से 95 दिन के लिए मतलब कि उनको पैसा भी मिलेगा और मकान भी बन ही रहा है। तो ये भी एक बेहतर मतलब कारगर कदम रहा है। वहीं ग्रामीण आवास कार्यक्रमों के उसमें भी जो 5 वर्ष के दौरान देखेगा कि लगभग 1.5 करोड़ से अधिक मकान बने इसमें, और वहीं संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी जो है तो डैशबोर्ड के जरिए भी की जाती थी। ये भी मतलब कि शासन ट्रांसपेरेंसी के लिए बताई गई, यदि डैशबोर्ड के जरिए निगरानी होगी तो इससे क्या होगी कि अकाउंटेबिलिटी भी बनेगी है ना, जवाबदेही भी बढ़ेगी। तो ये भी एक मतलब कि बेहतर कदम इसको माना जा सकता है। और मकानों के निर्माण में भी तीव्रता देखी गई, जैसे 5 गुना वृद्धि हो गई ये भी बताया गया है। और लिंकेज पर जो 5 वर्षों में जो NRLM के तहत जो लगभग 3 करोड़ महिलाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण की भी मंजूरी मिल चुकी। तो ये उनके अपने आंकड़े हैं जो सरकार के प्रोग्रेस एक प्रकार से प्रोग्रेस रिपोर्ट कह सकते हैं, उन्होंने अपना व्यक्त किया है उसी के बारे में इसमें। और वहीं ग्रामीण क्षेत्र और एक बेहतर तरीके से ये चीज़ ज़रूर है कि
यहाँ पास है ग्रामीण क्षेत्र में जो रचनात्मक बदलाव है तो यदि उसको प्रमोट करना है उसे और ज़्यादा है ना, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण ज़रूर है कि जो नैनो उद्यम है यानी कि छोटे या कुटीर उद्यम हैं तो उनको यदि मदद दी जाए, जिससे कि जो ये हैं आगे जो है तो और ग्रो करके सूक्ष्म लघु उद्यम के रूप ले सके, तो ये जिससे कि हमारे ग्रामीण विकास होगा है ना, ग्रामीण से ग्राम जो है तो और ज़्यादा डेवलप होंगे, तो इससे जो कि भारत की से विकास ही होगा, तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो बस आज के इसमें से कुछ यही स्पेशल थे, वहीं सामाजिक क्षेत्र के बारे में, गरीबों के लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है और पोषण कार्यक्रम है, इनके लिए भी जो है तो समुदाय नेतृत्व और स्वामित्व वाली एक ऐसी सार्वजनिक सेवा प्रदाय की व्यवस्था की जरूरत है जो कि परिणामों पर केंद्रित और गरीबों के जीवन स्तर में सुधार कल्याण उसका अंतिम लक्ष्य, इस प्रकार से मतलब गवर्नमेंट का एजेंडा है। हालांकि निजी क्षेत्र की भूमिका तो महत्वपूर्ण है, लेकिन बेहतर तरीके से लोगों को मतलब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना, तो उसके बारे में मतलब देखा गया। तो बस आज के आर्टिकल में बस इतना ही, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी क्वेरीज हो तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स पे लिख के हमें बिल्कुल सूचित करें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।